ब्रांड का नाम है लालू यादव। हाँ। लालू यादव नेता नहीं, एक ब्रांड है बिहार के लिए। लालू यादव एक विचारधारा का नाम है बिहार के लिए। लालू यादव एक लकीर का नाम है बिहार के लिए। उस लकीर पर दलित पिछड़े और मुसलमान चल दिए हैं। उस लकीर पे, जिस लकीर का नाम लालू प्रसाद यादव है, उस लकीर पे यहाँ के दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों ने चलने का काम किया, रेंगने का काम किया है। ये आप का कर दिए, ये गुंडा के टिकट दे दिए, एगो टपोरी के, ये टपोरी ना है, नहीं पता है क्या आपको? कितना मुन्ना शुक्ला के नाम पे आएगा? जितना होगा उसमें भी जो समझदार लोग होगा ना, बाहुबल ना है उसमें भी जो समझदार लोग होगा ना, जो सुनिए ना, उस जाति में भी बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उसमें भी कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे ना, बोले कहाँ ये टपोरी के वोट देना है, ये तो जीतेगा तो खूने खराबा करेगा। और जो सामाजिक न्याय के लोग कहे जाते हैं बिहार में, जिन्हें सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा जाता है, पता नहीं इनको क्या हो गया, क्या हो गया पता नहीं, क्या हो गया? दलित आईएएस के हत्यारे को टिकट आपने दे दिया। ये लोग चाहते हैं कि दलित दलित रहे, ये लोग चाहते हैं कि दलित के गले में मटका लटका रहे, ये लोग चाहते हैं कि दलित के कमर में झाड़ू बांधा रहे, ये लोग चाहते हैं कि दलित खेतों में काम करे, ये लोग चाहते हैं कि दलित महिला ढोए। अमित यादव के भी बाप दादा थे, नीतीश पासवान के भी बाप दादा थे, ये हमारे कैमरा पर्सन है पंकज यादव के भी बाप दादा होंगे। इनके पास 500 बीघा खेत नहीं हुआ, आपके बाप दादा के पास 500 बीघा खेत नहीं हुआ, आनंद मोहन के पास 500 बीघा खेत कैसे हो जाएगा जी? कैसे हो जाएगा? ये लोग अंग्रेजों का चापलूसी करते थे, कहिए तो अंग्रेजों का चमचाई करते थे, और चमचाई और चापलूसी करने के एवज में इन्हें जगह और जमीन दिया जाता था। और एक बात, ये लोग बार बार मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्यों करते हैं ये? क्योंकि जब तक इस देश में संविधान है, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? कब बनेगा? जब तक इस देश में संविधान है, हिंदू राष्ट्र ये देश नहीं बनेगा। बन रहे हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है तो ये सब देन है, भारतीय संविधान का देन है। एक आईएएस हथियारा, एक सांसद प्रत्याशी का पति और एक विधायक का पिता, यानी आनंद मोहन का ये कहना है वर्तमान समय में कि उनकी पत्नी जो है सांसद प्रत्याशी है, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई हैं, उनका ये कहना है आनंद मोहन का कि अब हमको राजपूत का, कुशवाहा का, कुर्मी का, बनिया का, ये जितने भी जाति के जो लोग हैं, इन लोगों के द्वार पर हमको नहीं जाना है, वोट मांगने नहीं जाना है, ये तो हमारे अब इनके द्वार पर जो है कैंपेन करने के लिए नहीं जाना है। कहीं ना कहीं तक जो है इनका ये कहना है कि जितने भी अगर बनिया जाति के जो लोग हैं, ये अमित शाह और मोदी जी से प्रेरित हैं, और राजपूत जाति के हैं तो राजपूत जाति उनको वोट कर वहीं करेंगे, और कोयरी और कुर्मी यानी लव कुश का जोड़ी अपनाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस मैटर के बारे में? इससे हम बात करने के लिए नीतीश आर्यन जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिविस्ट, जो कि कहीं ना कहीं तक जो है जाति के नाम पर लोग वोट मांगने के लिए भी लोग प्रेरित कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। इनसे हम बात करते हैं, क्या सोच सकते हैं? नीतीश जी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आनंद मोहन की आपने बात की, आनंद मोहन कह रहे हैं कि राजपूत, कोयरी, कुर्मी और कुशवाहा और बनिया, बनिया ये पांच जो जाति हैं, उन लोगों के द्वार पर हम आनंद मोहन ने क्या कहा था? आनंद मोहन का कहना है कि जो कोयरी कुर्मी है बिहार में लौ कुश समीकरण के चलते नीतीश कुमार के, मतलब नीतीश कुमार उन लोग को देख लेंगे। हाँ, जो बनिया जाति है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी बनिया जाति को देख लेंगे, और जो राजपूत जाति है वो आनंद मोहन खुद उसी जाति से बिलोंग करते हैं, आनंद मोहन ऐसा कहा था। तो साफ तौर पे आनंद मोहन नहीं बोल रहे हैं, ये आनंद मोहन का घमंड बोल रहा है, घमंड बोल रहा है जी, आनंद मोहन का घमंड बोल रहा है। और आनंद मोहन को ये लगता है कि जो यहाँ की ये जातियाँ है, चाहे कोयरी हो, कुर्मी हो, या बनिया हो, या राजपूत हो, ये सब इन नेताओं के, जिनका जिनका इन्होंने नाम लिया है, चाहे कोयरी कुर्मी हो, नीतीश कुमार के बनुआ मजदूर हो गए हैं, इनका इनके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, चाहे जो बनिया जाति के लोग हों, वो नरेंद्र मोदी के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका बनुआ मजदूर हो गए हैं, बनुआ मजदूर। हाँ, कहने का मतलब तो है ही ना था, अच्छा, कि हमको नहीं जाना है इनके लोग के द्वार पे, इनके द्वार पर वोट मांगने के लिए नहीं जाना है आपको। अब हम प्रत्याशी होंगे किसी लोकसभा या विधानसभा, किसी मुखिया पद के लिए प्रत्याशी, या किसी वार्ड के लिए प्रत्याशी होंगे, हम ऐसा क्यों बोलेंगे भाई? सबके दरवाजे पर मेरा जाना काम है, आप वोट दीजिए ना दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लोकतंत्र है, आपके आप किसे वोट करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस जाति से हैं, क्या है, उससे हमको क्या मतलब रखना है? हमको तो प्रत्येक दरवाजे तक टच करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आनंद मोहन का जो कहना है, ये आनंद मोहन का पूर्ण रूप से घमंड बोलता है, और
उन्होंने साफ तौर पर इन जातियों को बंधुआ मजदूर के दर्जा दे दिया है। जो जाति के इन्होंने नाम लिया, उनके कहने का मतलब था कि सभी जातियां इन नेताओं के बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। आनंद मोहन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से जाति हावी हावी राजनीति में। आनंद मोहन एक तरह से देखिए तो सही भी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे एक प्रकार से क्लियर कर दिया है कि इन जाति के लोग कितना भी जागरूक हो जाए लेकिन ये लोग अपने जाति के नाम पर वोट करेंगे। आनंद मोहन का अनुसार अच्छा उन्होंने मुस्लिम का क्यों नहीं नाम लिया, उसमें जादव का क्यों नहीं नाम लिया? अब उनको पता है कि जो यहाँ के यादव वोटर्स हैं, जो यहाँ के मुसलमान वोटर्स हैं, जो यहाँ के दलित वोटर्स हैं, वो साफ तौर पे महागठबंधन की तरफ हैं। क्योंकि देखिए मुस्लिम वोटर्स हो या यादव वोटर्स हो, बिहार में MY का समीकरण राजद को कहाँ ही जाता है। और यादव और मुसलमान को तोड़ना आनंद मोहन के बुत्ते की बात नहीं है, और दलित समाज के पास आनंद मोहन किस मुंह से जाएंगे भाई आप? दलित समाज के पास आनंद मोहन आप किस मुंह से जाएंगे? आपने उसी समाज के IAS अधिकारी की हत्या किया था, इसीलिए दलित का नाम इन्होंने नहीं लिया है। क्योंकि इनको शर्म आती है उस समाज के पास जाने में, और लजा आनी चाहिए। जाएंगे किस मुंह से भाई आनंद मोहन, किस मुंह से जाइएगा दलित के दरवाजे तक? इसीलिए दलित का नाम आपने नहीं लिया कि दलित के दरवाजे तक आप जा नहीं सकते हैं। भले आप यादव के पास जाएंगे, मुसलमान के पास जाएंगे, लेकिन यादव मुसलमान तो कटने वाले नहीं है नहीं। और दलित के पास आप जाइएगा तो सवाल जवाब होगा कि भाई आपने तो मेरे समाज के लोगों की हत्या की थी, मेरे समाज के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी, वो भी एक उच्च अधिकारी की, जिला अधिकारी की हत्या कर दी थी, जी कृष्णैया की हत्या कर दी थी। तो आप एक दलित के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो नाली साफ करते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, उन लोगों का आपकी नजर में कितना हैसियत होगा? आपके अनुसार उन लोग का क्या इज्जत होगा? मतलब आप उनके समाज के एक अधिकारी को नहीं बकस छोड़ रहे हैं, और सत्ता के बल पे नीतीश कुमार के कहिए तो सिर पे हाथ होने के चलते कानून में संशोधन करके आपको रिहा कर दिया जाता है, तो आप उस समाज के पास नहीं जा सकते हैं। इसीलिए उस समाज का इन्होंने नाम नहीं लिया। मतलब ये कहना है कि पहले ही अब राजा महाराजा वाला ठाट बाटी मतलब सोच रहे हैं कि तो ये जमींदारी प्रथा के लोग हैं। इन लोगों के पास जगह जमीन हुआ करती थी, अंग्रेजी सत्ता के ये लोग हैं। अंग्रेजी सत्ता में जमींदार कौन होते थे ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सर्वोपरि सभी लोग जानते हैं कि जमींदार कौन होते थे, किसके पास जमीन होती थी। आपके बाप दादा भी थे, अमित यादव के भी बाप दादा थे, नीतीश पासवान के भी बाप दादा थे, ये हमारे कैमरा पर्सन है पंकज यादव के भी बाप दादा होंगे। इनके पास 500 बीघा खेत नहीं हुआ, आपके बाप दादा के पास 500 बीघा खेत नहीं हुआ, आनंद मोहन के पास 500 बीघा खेत कैसे हो जाएगा जी? कैसे हो जाएगा है? ये जमींदारी प्रथा के उपज हैं लोग। ये लोग अंग्रेजों का चापलूसी करते थे, कहिए तो अंग्रेजों का चमचाई करते थे, और चमचाई और चापलूसी करने के एवज में इन्हें जगह और जमीन दिया जाता था। ये लोग मुखबिरी करते थे। अच्छा तो ये गलती कहाँ कह दिए? मतलब आज देखिए जाति गणना करवाए, लोग जाति के अनुसार लोग वोट भी कर रहे हैं, लालू यादव को देख रहा है, मैं भी तो राजपूत आनंद मोहन को क्यों नहीं देखेगा भाई? तो राजपूत का तो आनंद नीतीश कुमार को क्यों नहीं देखेगा? इसीलिए ना अमित शाह को क्यों नहीं देखेगा, मोदी को क्यों नहीं देखेगा? मैं आनंद मोहन की बात को काट कहा रहा हूँ। मैं आनंद मोहन की बात को काटा, मैंने बोला कि एक तरह से आनंद मोहन सही है, क्योंकि जो अभी राजनीति में जातिवाद हावी है, जाति हावी है, आनंद मोहन एक तरह से इसलिए सही है क्योंकि जो बनिया समाज के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट कर दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट कर दे रहे हैं। जो कोयरी कुशवाहा समाज है, लौकुश समीकरण के नाम पे नीतीश कुमार को वोट कर देना है, नीतीश कुमार के नाम पे। और जो राजपूत है उस लोकसभा में वो आनंद मोहन के नाम पे वोट करेंगे, तो जाने की जरूरत फिर कहाँ पड़ गई? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आनंद मोहन है, नीतीश कुमार की पार्टी से उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, और आनंद मोहन खुद राजपूत जाति से है, और भाजपा के नरेंद्र मोदी है, भाजपा जदयू कॉम्बिनेशन है बिहार में, अलायंस है, तो फिर जाने की जरूरत कहाँ से पड़ गई? ये तो जानते हैं कि ये तो वोट कुछ भी हो जाएगा, हंस के चाहे गा के वोटवा तो भाई देना ही पड़ेगा। हम कुछ बोल दे, कुछ कह दे, वोटवा तो हमारे के देंगे, जाएंगे कहाँ भाई, जाइएगा कहाँ? आनंद मोहन जी के बारे में क्या सोच रखते हैं अभी? जो है अभी तो बहरी है वो आनंद मोहन। देखिए एक
अभी हमें बोले नहीं, अब बोल देंगे, आप यही सुनना चाहते हैं। अब उसके बारे में सोच क्या रखना है, हत्यारे के बारे में कोई सोचता है? हम लोग संवैधानिक लोग हैं और हत्यारे के बारे में सोचने का हम लोग के पास फुर्सत कहाँ है? आपने पूछा, हमने बता दिया कि, और वो भी हम भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं जिस समाज के आईएएस अधिकारी की इसने हत्या की थी, उसी समाज से हम भी बिलोंग करते हैं और उस अधिकारी की इसने हत्या की, तो हमें भी कहीं ना कहीं यहाँ ठेस पहुँचा है। जब ये जी कृष्णैया का मर्डर कर सकते हैं ये लोग, तो ये नीतीश पासवान किस खेत का मूल्य है, है ना? तो ये लोग दलित और पिछड़ों को कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे लोग दलित और पिछड़ों को महज वोट के लिए यूज किया जाता है। आज ये दलित पिछड़ों के दरवाजे पर जाएंगे, जाएंगे वोट मांगेंगे, अगर चुनाव जीत गए तो दलित पिछड़ों का कितना ही लोग। अच्छा, आईएएस का हत्यारे लोग कह रहे हैं और कहीं ना कहीं तो जो आईएएस की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, आपको पता होगा, जी रितु जायसवाल जी। तो एक तरफ जो है हमारे बिहार में एक आईएएस का हत्यारा की पत्नी चुनाव लड़ रही है और एक आईएएस की पत्नी चुनाव लड़ रही है। सब नीतीश कुमार का आशीर्वाद है, मतलब समझ रहे ना, आईएएस के हत्यारा की पत्नी और एक जगह आईएएस की पत्नी चुनाव लड़ रही है। हम समझ रहे हैं कि आईएएस के हत्यारा जो चुनाव लड़ रहा है उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उसका बेटा विधायक भी है, उसका बेटा विधायक भी आरजेडी का, वो लालू यादव का देन था कि विधायक बन गया। अगर लालू यादव का हाथ उसके सर पे नहीं होता तो उसका बेटे के सिर पे कभी तिलक नहीं लगता विधायक का। और उसी ने पीठ में खंजर किसके भोका, लालू यादव के पीठ में खंजर भोका। वही तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं, ठीक है। अरे तो आप विरोध भी कर रहे थे, मुना शुक्ला का भी विरोध आप कर रहे थे, मुना शुक्ला का लालू यादव ने टिकट दिया और चुनाव लड़के टिकट मिल गया, आपका मिल गया, सिंबल भी मिल गया है के कराम मुना शुक्ला जी के, जो वही बतावा बोले थे कि हम बुनियाद है, चमार थोड़े हैं, वो तो हम जानते हैं, बोलते मिल गया टिकट, नहीं पता है क्या आपको? मिल गया टिकट तो मिल गया, कन्फर्म हो गया मुना शुक्ला के, हाँ कन्फर्म। अरे कहाँ पर हैं आप? मुना शुक्ला का टिकट मिल गया, हाँ मिल गया, नहीं पता है क्या? किस पार्टी से? लालू आरजेडी के पार्टी से। हम मना किए थे, दलित समाज ने मना किया था, फिर भी दे दिया लालू यादव। क्यों दिया टिकट? क्यों दिया गया? जातीय समीकरण लाने के लिए वहां पर टिकट मिल गया। हाँ हाँ मिल गया, गई भैंसिया पानी में, चल गई। कैसे? नहीं या डूब गया, तो बुनियाद लोग वोट कोई नहीं खेवैया है, वैशाली गया हाथ से, गया हाथ से वैशाली। कौन है मुना शुक्ला, जानते हैं आप? पता है कौन? क्यों बाहुबली इसको कहा जाता है, पता है आपको? कौन है? नहीं हमको तो इस नहीं पर कितने संगीन आरोप है आपको पता है? बताइए, कितने बड़े बड़े लोगों की हत्या का आरोप है आपको पता है? अरे आप बताइए। जिस आनंद मोहन का हमने जिक्र किया कि आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया का हत्या का आरोप आनंद मोहन पर है, क्यों हुआ था वो हत्या? क्यों हुआ था वो? छोटन शुक्ला का आपने नाम सुना होगा, मुन्ना शुक्ला का बड़ा भाई, तो उस समय क्या गुंडा था, गुंडा था छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद जी कृष्णैया गुजर रहे थे उस रास्ते से, तीन लोगों ने हत्या कर दिया, उस हत्या का आरोप आनंद मोहन सहित मुन्ना शुक्ला पर भी लगा था। आनंद मोहन और मुन्ना शुक्ला दोनों जी कृष्णैया हत्या के मतलब? बिल्कुल, ये दलितों के हत्यारे हैं, इसलिए इनके मुंह से ऐसे ऐसे बयान भी सुनने को मिलता है कि हम भूमिहार है, चमार थोड़े, यही बोला था ना मुन्ना शुक्ला, इसलिए इनके मुंह से ऐसे ऐसे बयान सुनने के मिलते हैं। और जो सामाजिक न्याय के लोग कहे जाते हैं बिहार में, जिन्हें सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा जाता है, पता नहीं इनको क्या हो गया, क्या हो गया पता नहीं, क्या हो गया, दलित आईएएस के हत्यारे को टिकट आपने दे दिया। अरे तो वो भी तो दे दिया है, मैं सर कहां पटकू भाई, कहीं जगह है? जदयू भी तो दिया है, जदयू भी तो दिया है ना? अरे जदयू दिया है, जदयू नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा जाता है क्या? नहीं कहता है। किसको कहा जाता है? लालू यादव को कहा जाता है। टिकट मिलने से पहले इसके मुंह से कैसा बयान आया था, इसने चमार जाति को नीच कह दिया था, चमार जाति को इसने गालियां दे दी थी, तो फिर इसको टिकट क्यों दिया गया? फिर माफी भी मांगा था, आपको भी पता है माफी मांगने से अब क्लियर हो जाता है सब। अब क्या बोले, देखिए पहले आपको अब नहीं बोलना चाहते हैं, उस शब्द में नहीं जाना चाहते हैं, बहुत अमर्यादित शब्द है, उस शब्द में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, तेजस्वी भैया वैशाली तो गया भैया, अब वैशाली बचाना मुश्किल है ना बचेगा, ये आप का कर दिए, ये गुंडा के टिकट दे दिए एगो टपोरी के, ये टपोरी ना है, नहीं पता है क्या आपको? एगो और एक हत्या का आरोप था, इस पे जानते हैं?
किसका आरोप था? राबड़ी सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद के हत्या का आरोप मुन्ना शुक्ला पर था। आपको नहीं पता होगा तो जाकर देख लीजिएगा, 1998 में यह हत्या हुआ था ब्रिज बिहारी प्रसाद का। बिहार सरकार में मंत्री थे राबड़ी देवी की सरकार में, उनकी हत्या हुआ था 1998 में। उसका आरोप यही मुन्ना शुक्ला पर था, यही मुन्ना शुक्ला जो जाति से भूमिहार इस पर था। और दूसरी बात, उसी पार्टी ने तो टिकट दिया है। क्या उसी पार्टी ने तो टिकट दिया है? अब यही तो हम सोच रहे हैं, हम कहां हम गलत हैं कि आप गलत हैं? सच में टिकट मिल गया है? हाँ मिल गया जी, लालू यादव खुद अपने हाथों से दिए हैं। तो टिकट सीट गई पानी में, गई भैंसे पानी में। हम बताओ तन क्या है, हम बता रहे हैं आपको कि जो उसके जाति के वोटर्स हैं ओकरा वोट तो देवे नहीं करेंगे। कहाँ नहीं देंगे? नहीं पता है क्या आपको? ना। कितना परसेंट मिलेगा लालू यादव को? उस समाज के लोग कितना परसेंट वोट करते हैं? लालू यादव को अगर दलित पिछड़े मुसलमान अल्पसंख्यक वोट ना करे तो क्या लालू यादव सत्ता में आ पाए, आ पाते? और तेजस्वी यादव क्या इतना सीट ला पाते? कितना वोट आती है आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है? उसके जो जाति की संख्या कितनी है जी, कितनी सहाय है, वो सब बीजेपी देने है। कितना मुन्ना शुक्ला के नाम पे आएगा? जितना होगा उसमें भी जो समझदार लोग होगा ना, उसमें भी जो समझदार लोग होगा ना, जो सुनिए ना, उस जाति में भी बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उसमें भी कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे ना, बोले कहां टपोरी के वोट देना है, ये तो जीतेगा तो खूने खराबा करेगा, सब बीजेपी देने चला जाएगा, ठीक है? और दूसरा चीज, जिस समाज को इसने गाली दी उस समाज के लोग इसे वोट करेंगे क्या? कभी नहीं इसे वोट करेंगे, नहीं करेंगे। एकदम पहले ही बोल दिया गया था, हमने पहले भी कहा था वोट का चोट होगा। और ये तमाचा जो है ना मुन्ना शुक्ला सहित उन तमाम लोगों को लगेगा जिन्होंने इनको टिकट दिया था। मैंने हाथ जोड़कर विनती किया था, हमारे समाज ने हाथ जोड़कर विनती किया था कि ऐसे टपोरी लोगों को, ऐसे गुंडे मवाली को टिकट मत दीजिए, आपको सामाजिक न्याय का योद्धा कहा जाता है, आपने दलित पिछड़ों को यहाँ हक अधिकार दिलाया, आपने दलित पिछड़ों को कुर्सी पर खटिया पर बैठने का अधिकार दिया, चप्पल पहनने का आपने अधिकार दिया, लेकिन आपने ये क्या गलती कर दिया? तो गलती कहाँ से होगा जी, जातिवार गजब बात करते हैं यार। जातिवार गणना हुआ, फिर जाति के अनुसार टिकट दिया गया। सुनिए ना, जातिवार गणना पर गए ना आप, जातिवार गणना पर हम बता दें आपको, दलित की आबादी कितनी है बिहार में? कितनी है? 20%। कितना टिकट मिलना चाहिए? 40 में 8 टिकट। आपने सुरक्षित सीटों पर तो टिकट दिया है। अगर आप सामाजिक न्याय के, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते तो दलितों को 8 सीट पर टिकट देते, क्योंकि दलितों को 8 सीट पर अधिकार था, और 2 सीट जनरल पर देकर लड़ा देते। भाजपा ने भी दिया सुरक्षित सीटों पर टिकट दलितों को। आपको सामाजिक न्याय आप बोलते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्यों नहीं दी आपने? मुसलमानों का कितना दिया गया? मुसलमानों की आबादी के अनुसार उसका टिकट मिला क्या? नहीं मिला। भाजपा को तो कहां ही जाता है, कुछ सामाजिक न्याय की पार्टी थोड़े है, वो सामाजिक न्याय के हत्यारों की पार्टी है भाजपा, लेकिन आपको तो कहा जाता है। इसलिए जातिवाद गणना पर हम नहीं बोलना चाहते थे, आपने बुलवा दिया तो बोल दिए। खैर मुन्ना शुक्ला चुनाव हार रहा है, बिल्कुल हारेगा। आनंद मोहन की पत्नी क्या, आनंद मोहन की पत्नी वो भी हारेगी, हार जाएगी। हाँ, आप वोटे मांगने नहीं जाइए, घर में सुतल रहिएगा। के वोट देगा जी, के वोट देगा? दलित ज्यादा मुसलमान को आप ही तोड़ लीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, नहीं टूटेगा। सब लालू यादव, बिहार में लालू यादव कोई नेता थोड़े है, एक ब्रांड का नाम है लालू यादव। लालू यादव नेता नहीं, एक ब्रांड है बिहार के लिए। लालू यादव एक विचारधारा का नाम है बिहार के लिए। लालू यादव एक लकीर का नाम है बिहार के लिए। उस लकीर पर दलित पिछड़े और मुसलमान चल दिए हैं। उस लकीर पे, जिस लकीर का नाम लालू प्रसाद यादव है, उस लकीर पे यहाँ के दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों ने चलने का काम किया, रेंगने का काम किया है, ठीक है? उस लकीर का नाम है। आप उस लकीर को कभी मिटा नहीं सकते हैं, जिस लकीर को लालू प्रसाद यादव ने खींच दिया है। अच्छा, तो अंत में क्या कहिएगा, बिहार में 40 सीट है लोकसभा का, तो 40 में कितना लोकसभा सीट जो है इंडिया और इंडिया गठबंधन? देखिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता जो होती है मालिक होती है। लोकतंत्र में जनता को सर्वमान्य बनाया गया है। लोकतंत्र में जनता जो होती है महान होती है। क्यों कहा गया महान भाई? क्योंकि जनता ही यहाँ निर्धारण करती है। जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो यहाँ के
18 प्लस जिनकी उम्र है 18 प्लस, वो वयस्क लोग होते हैं जिनकी सोचने समझने की क्षमता आती है कि कौन हमारे लिए बेटर है, वो तय करेंगे कि 40 में कितना कौन जीतेगा। बाकी एक बात मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा, खासतौर पर मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ जी जी, और उस समाज की स्थिति सदियों सदियों तक तो क्या रही और किसके बदौलत, किस संविधान के बदौलत हम समाज के मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, तो अपने समाज के लोगों से कहना चाहेंगे ए मेरे दलित भाइयों, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, ए मेरे पिछड़े समाज के लोगों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों से आप लोग जरूर बचिएगा। जो लोग बार बार ये बात कहते हैं कि हम सत्ता में हमको दो तिहाई बहुमत दीजिए, आपका वोट लेंगे, आपसे दो तिहाई बहुमत की मांग करते हैं, और वही लोग फिर संविधान बदलने की बात करते हैं। उन लोगों के मंत्री का बयान आता है, पूर्व मंत्री का, उन लोगों के सांसद का बयान आता है, बड़े बड़े नेता का बयान आता है कि भाई हमको दो तिहाई बहुमत आप दिला दीजिए। 272 पर तक कुछ नहीं होगा भाई मेरे, 400 प्लस दिलवाइए और संविधान बदल के रख देंगे। और एक बात, ये लोग बार बार मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्यों करते हैं ये? क्योंकि जब तक इस देश में संविधान है, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब तक इस देश में संविधान है, हिंदू राष्ट्रीय देश नहीं बनेगा। क्योंकि संविधान में साफ तौर पर लिखा गया धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। और जिस दिन इस देश से संविधान खत्म हो गया, जिस दिन इस देश से संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, उस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा ना देश। इसलिए इन लोग का बार बार ये कहना है कि आप लोग हमको 400 प्लस सीट आपकी बार दिलवाइए, और वादा करते हैं कि ये लोग संविधान खत्म कर देंगे। तो मेरे दलित समाज के भाइयों, आपको इसी संविधान के बदौलत समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला। आज आपके सामने मुखर होकर बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के अगर बोल रहे हैं, तो ये किसका देन है? संविधान का देन है। सवाल कर रहे हैं आप, किसका देन है? संविधान का देन है। जो दलित समाज के लोग संसद में जा रहे हैं, जो दलित समाज के लोग विधानसभा में जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो ये सब देन है, भारतीय संविधान का देन है। अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का नेता नहीं कहा जाता, नहीं होते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का अस्तित्व नहीं होता, संविधान नहीं होता तो कौन बढ़ने देता था जी, कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। ये लोग चाहते हैं कि दलित दलित रहे, ये लोग चाहते हैं कि दलित के गले में मटका लटका रहे, ये लोग चाहते हैं कि दलित के कमर में झाड़ू बांधा रहे, ये लोग चाहते हैं कि दलित खेतों में काम करे, ये लोग चाहते हैं कि दलित महिला ढोए। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि इस बिहार में, ये बिहार की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये बाबू बीरकुंवर सिंह की धरती है, ये कवि दिनकर की धरती रही है, इस धरती से श्री कृष्ण सिंह भी निकले, इस धरती से बहुत सारे क्रांतिकारी, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसी धरती से निकले, इसी धरती से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जो था शुरुआत हुआ, इसी धरती से चंपारण सत्याग्रह भी शुरू हुआ, और यह क्रांतिकारियों की धरती है। इसी क्रांतिकारी धरती ने रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव जैसे समाज या न्याय के नेताओं को जन्म दिया। तो लालू प्रसाद यादव बिहार में एक लकीर है, जिस पर दलित, जिस पर पिछड़े, जिस पर अल्पसंख्यक रेंगने का काम करता है, उस पर अगर कोई मनुवादी समंत आकर तोड़ने का और काटने का उस लकीर को काम करेगा, तो ये सपना में नहीं हो सकता। वो लकीर का नाम है, एक लकीर खींची गई है बिहार में सामाजिक न्याय के नाम से, उस लकीर को किसी ने खींचा है, तो लालू प्रसाद यादव ने उस लकीर का नाम लालू प्रसाद यादव रख दिया गया। चलिए देख सकते हैं, जो कि एक्टिविस्ट नीतीश जी कह रहे थे मुन्ना शुक्ला और आनंद मोहन जी के बारे में, कहने के तो दोनों लोग जो है IAS हत्यारे जो है संलिप्त हैं, वैसे में चुनाव लड़ने का जो काम है कर रही हैं आनंद मोहन जी की पत्नी जो है, और कहीं ना कहीं तक जो है आपका ये क्या सोच है इस वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह से आप लोग देख रहे थे जनता, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ, थैंक यू, जय हिंद।